और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। हम अभी नू में हैं जहाँ सारा वायलेंस ओरिजिनेट हुआ था। ये दुकानें लाइन से जला दी गई हैं। मेरे साथ इन दुकान में एक दुकान के शॉपकीपर हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद, इरशाद आपकी भी एक दुकान है यहाँ पे, कितने टाइम से है? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से यहीं के लोकल रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के लोकल रहने वाले, सब कुछ यहीं पे नू में ही। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहते हैं नूह में, और हमें यहाँ का माहौल पता है कैसा हमारे यहाँ पे माहौल है, क्या है, किस तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है यहाँ हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, हिंदू कम है, लेकिन हैं सारे लोग। कभी आपने कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं सुनी होंगी कि मेवात में भाई किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू को परेशान किया, उस तरीके से कोई धर्म विवाद हुआ। लेकिन अगर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होती तो एक जो यात्रा थी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, हम उसको मना नहीं कर रहे आने के लिए, आप आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप आए आपका तरीका गलत था आने का। क्या तरीका था? तरीका ये था मैम कि जैसे अगर आप शांतिपूर्वक आते दिक्कत नहीं थी, आप पहले ही फ़ोन से वीडियोस वायरल हो रही थी लगातार, मोनू मानेसर की एक वीडियो वायरल हुई थी और अपने ये उनके साथ देखें बिट्टू बजरंगी, इन लोगों की वीडियोज़ लगातार हमारे सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं मेवात को एक तरीके से। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं, हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वह यात्रा में शामिल रहेगी। जय जयकारा वीर बजरंगे, जय जय श्री राम। ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। देखो ये गोली चला रही है। खाता साहब बाद रे काली माता का मंदिर भी है। ये आप देख रहे हैं, ये गेट को तोड़ दिया गया है। मेरे साथ पुजारी हैं उस मंदिर के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डालचंद है। मेरे साथ में यहाँ कोने पर आकर उन्होंने कहा है मंदिर को तोड़ दो और इनको पकड़ लो, इनको मारो कूटो, और यहाँ ताला तोड़ा है, हमको कमरे से निकाला है, हमारी एक बाइक थी उसको तोड़ दिया उन्होंने, और 10-15 हज़ार रुपये थे हमारे पास में, उनको भी ले गए छीन करके। कौन है ये लोग? अब ये लोग अब कैसे बताएं, दंगे वाले हैं। अब किसका नाम बताएं, हम तो किसी को जानते नहीं, हम तो परदेशी आदमी हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, ये पता है। अब का पता तो लोकल हैं कि ये ओरिजिनल हैं, हैं सर, ये सारे लोकल हिसाब से हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर यहाँ ये चीज़ है, अब जो बाहर से आएगा उसको ये पता नहीं है कि यहाँ क्या चीज़ है, लेकिन ये पता है कि ये लोकल आदमी, लोकल आदमियों ने ये सिस्टम बनाया है। सरकार फेल हुई है, यहाँ 4 घंटे पत्थरबाजी हुई है। 10-50 पचासों के पास में फ़ोन किया है, फ़ोन करने के बाद में जब भी हमारे पास में सरकार का कोई भी कैंडिडेट या कोई पुलिस वाला हमारी सहायता के लिए यहाँ नहीं आया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। शकील जी, कितने साल से रह रहे हैं? हाँ, कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल। हाँ ठीक है। पूरा फैमिली आपका यहीं है? विद फैमिली। अपने बचाव के लिए अपने बच्चे अच्छे बाहर निकाल दिए, घरों से छोड़ के भाग गए जी, बचाव के लिए। क्या कहाँ भागे आप? आप ये ओड पास के पहाड़ में चढ़ गए थे। पहाड़ों पर चढ़ गए आप? हाँ जी। हाँ, अभी हमारे बच्चे का वो घर से बाहर है, अभी बच्चे हम लाए नहीं है अभी। हाँ, अपने घर में बस हम दो आदमी हैं।
हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया, किसी ने बोला नहीं, किसी मुसलमान ने आपको तंग किया? नहीं 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 कुछ नहीं करा किसी, हमारे को कभी नहीं सताते ये।